सर वही स्टाइल है गणपति बप्पा बोल मंगल नमस्ते बोल हो रही है और वीकेंड के बारे में अगर आपसे बात करें तो किस प्रकार का फिल्म है और उसमें आपका किरदार क्या है उसके लीड रोल है मेरा जी मेरा नाम अरशद खान है और मैं एज ए लीड रोल कर रहा हूँ और मैंने ये जो मूवी का वो पढ़ी है स्क्रिप्ट सो एक्साइटेड और मैं बहुत खुश हूँ और ये मुझे मिस्टर जलालुद्दीन शेख ने मुझे ये किताब दिया है तो मैं बहुत खुश हूँ इस मूवी अब विकेंड की कहानी की बात करें आपके किरदार की बात करें तो किस प्रकार का किरदार है आपका और कहानी और कैसे जहन में आया है विकेंड तो हालांकि हर आदमी छुट्टियों पे जाता है जी तो उसके बारे पे ही फिल्म है क्या क्या है जानकारी थोड़ा सस्पेंस है बताइए बताइए वो थोड़ा सस्पेंस है इसलिए मैं कुछ नहीं किरदार क्या है सब सस्पेंस है सब नहीं 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 किरदार में सस्पेंस है एज ए हीरो लीड रोल जी आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम जानना चाहेंगे और किस प्रकार का हाय दिस इज काव्या शर्मा मेरा रोल इसमें एक अच्छी नॉर्मल गर्ल का है कि हम लोग वीकेंड पे जाते हैं और आगे जो सस्पेंस है वो डायरेक्टर सर ही बताएंगे आई कांट टेल यू सो कितनी तैयारी चल रही है आपकी अगर इस किरदार की बात करें उसको किरदार को जीने के लिए किस प्रकार की तैयारी चल रही है आपकी तैयारी चल रही है अभी जस्ट रिसेंटली हम लोगों ने सारी चीज़ें की हैं तो अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है लेकिन हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे पूरी अपनी मेहनत लगा रहे हैं लस्सी फॉर द बेस्ट शान जी की आवाज़ ऑलवेज रिमेंबर वाली है कि हमेशा सबको याद रहती है तो आई सो हैप्पी कि वो मेरी फिल्म में गाना गा रहे हैं अभी फिलहाल सुना नहीं है सॉन्ग लेकिन डेफिनेटली तैयारी तो करेंगे अभी मेरी साउथ मूवीज आई हैं तेलुगु तमिल कन्नड़ा एंड एक हिंदी मूवी की थी एक ऐसी है आशिकी और एक हिंदी मूवी की थी दावत शादी जो राशि वालों ने रिलीज की थी बस ये थर्ड मूवी है मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली और दिल्ली से बॉलीवुड तक का सफर कैसा रहा और क्या कहना चाहेंगे और ये फिल्म कैसे आपके हाथ लगी वो उसके बारे में जानना चाहेंगे आई जस्ट अप्रिशिएट टू डायरेक्टर उन्होंने मुझे इतना बड़ा चांस दिया मुझे पता नहीं था मैं जस्ट गई और स्टोरी सुनी अच्छी लगी सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और फ्रॉम दिल्ली दिल्ली यस दिल्ली से बॉलीवुड तक का सफर कैसा रहा क्या कहना चाहेंगे सर बहुत अच्छा रहा और बताइए आप क्या जानना चाहते हैं बहुत बहुत कम बोलते हैं बहुत कम बोलते हैं आप जी आगे चलते हैं रुको तो भाग मेरा नाम राव देवेंद्र सिंह है और काफ़ी लगभग काफ़ी समय से मैं इंडस्ट्री में हूँ मेरी पहली फिल्म है वीकेंड जैसा टाइटल है हर कोई वीकेंड सेलिब्रेट करता है अपनी फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ जाता है तो ये भी वही स्टोरी है एक ग्रुप है जो वीकेंड पे जाता है लेकिन उनका वीकेंड ऐसा गुजरता है कि फिल्म देखने के बाद कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा वीकेंड कभी ऐसा गुजरे फिलहाल इतना ही कह पाऊंगा स्टोरी के लिए तो वीकेंड पे बहुत सारी फिल्में आ चुकी हैं और ये जहन में आपके कैसे आया कि कहाँ से आप ये प्रेरणा मिली कि हाँ वीकेंड पे फिल्म बनानी चाहिए वीकेंड तो एक आध घंटे का होता है लेकिन 3 घंटे बांध के रखना वीकेंड पे तो कितना कठिन होगा आपके लिए जी सर वीकेंड तो देखा जाए तो फ्राइडे नाइट से स्टार्ट हो जाता है तो अगर घंटों में जोड़े तो 72 घंटे से भी आसपास हो जाता है हम तो सिर्फ 1.5 घंटे का वीकेंड बना रहे हैं रही बात वीकेंड देखिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा जिस जो फिल्म सिर्फ 8 से 10 घंटों की होगी तो हमारी ये फिल्म भी शाम 5 बजे स्टार्ट होती है सुबह 5 बजे ख़त्म हो जाती है तो एक सिंगल कॉस्ट्यूम सिंगल लोकेशन लोकल विराट ट्रेन लोकल विराट लास्ट बस बस वही समझिए फरवरी में प्लान है एज ऑफ नाउ लेट्स सी लोकेशंस देख रहे हैं बिकॉज लोकेशन थोड़ी टफ है बॉम्बे में हमें मिल नहीं पा रही है हम लोगों ने बॉम्बे के जितने भी बंगलोज हैं उसको किया बिकॉज पूरी फिल्म एक बंगलो में है तो वो बंगलो बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए तो ये दोनों का जो चयन हुआ क्या खास बातें देख के आपने खास बात ये थी कि ये दोनों मेरे को दिसंबर में मिले थे इनसे तो मैं दिल्ली में ही मिला था जब मैं प्रोड्यूसर साहब को ये पहले से जानते थे
काफ़ी डेडिकेशन है इनके अंदर, लेकिन ये बॉम्बे बहुत कम आते थे। इनको बोला था जब कोई आज शान जी गा रहे हैं और रितु जी आ रही हैं, तो आप लोग भी सुनिए, रुकिए। दो गाने सिर्फ। और इसकी आज जो मुहूर्त आप कर रहे हैं और स्टार कास्ट को घोषणा करें, कौन कौन है इसमें काम कर रहे हैं? अभी तो मैं सिर्फ दो को ही रिवील कर पाऊंगा, काव्य शर्मा है और अर्शद है। तो ये काफी कुछ सस्पेंस है फिल्म में, क्या ऐसा कुछ सस्पेंस नहीं है? देखिए सिंपल से फिल्म का जो टाइटल है वीकेंड टाइटल है, वीकेंड से तो हर किसी को समझ आ जाए कि स्टोरी एक वीकेंड की है, तो सस्पेंस कुछ है नहीं। हाँ कुछ ट्विस्ट और टर्न है, मुहूर्त होने जा रहा है तो काफी कुछ तैयारियां 90% तैयारियां तो हो जाती है, केवल सेट पे जाना रह जाता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारी मुहूर्त हम पहले कर रहे हैं, और हम ऐसा नहीं है कि शूट पे हम बहुत लेट है, हम लोग फरवरी में ही शूट पे जा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ चीज़ फाइनल नहीं है। अभी मैं आपको कैसे कमिट कर दूं कि मैं यहाँ शूट करने जा रहा हूँ, बिकॉज अभी मैं ही फाइनल नहीं हूँ कि कौन सी लोकेशन होगी। इतना है कि बॉम्बे सर्कल के अंदर में ही शूट करना है, 100 किलोमीटर। कब तक दर्शक देख पाएंगे इस फिल्म को और क्या आश्वासन दे पाएंगे? इस साल तक देख पाएंगे, और आई होप फिल्म उनको बहुत पसंद आएगी। क्या कहना चाहेंगे जब आपकी फिल्म लगे तो जो सस्पेंस है वो दूर होगी या रहेगी थिएटर के बाहर तक भी? वो सस्पेंस इसलिए तो मेंटेन कर रहे हैं ताकि पब्लिक वो सस्पेंस देखे, वो ट्विस्ट क्या है वो देखे। Okay, this...